अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन की पेपर डालने का तरीक़ेकार डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है और इसे हमने साफ़ कर दिया है, इसकी वाइंडिंग को, और अब हम इसमें पेपर डाल रहे हैं। तो पेपर किस तरह से डाली जाती है, इसका पूरा तरीक़ेकार हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पेपर के साइज़ बनाई जाती है। एक पेपर कोई भी आप कागज़ की ले लें या अपनी इसकी पेपर को लेके, सबसे पहले एक परफेक्ट साइज़ आपको बनाना होता है, जैसा कि ये हमने साइज़ बना दिया है। अब इस साइज़ को हम निकालेंगे और इसी के हिसाब से बाकी पेपर काटेंगे। पेपर कई तरह के होते हैं, जैसा कि ये प्लास्टिक के 7 नंबर पेपर है, इसी में 10 नंबर भी होती है, और फिर और भी तरह के पेपर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये मॉनिटर कंपनी का पेपर है, 10 नंबर पेपर है ये, और ये टाइम टच है। मैं ज़्यादातर टाइम टच इस्तेमाल करता हूँ मोटर वगैरह की वाइंडिंग के लिए, और ये बहुत कम मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये ज़्यादातर कॉइलों को ऊपर चढ़ाने के लिए ये पेपर मैं इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा मुझे एतमाद इस पेपर पे है। और पंखे के लिए मैं ज़्यादातर 7 नंबर सफ़ेद वाली प्लास्टिक के पेपर इस्तेमाल करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये कई तरह के साइज़ के पेपर हैं। ये 4 साइज़ मेरे पास हैं, जैसे साइज़ का पंखा होता है वैसा मैं पेपर इसमें, ये देखें, ये रोल बना हुआ है और ये कटा हुआ पेपर इसी तरह मिलता है। तो मैं इसे लाके बस जितना साइज़ होता है वो साइज़ के नाप के हिसाब से कटिंग करके पंखे में डालता हूँ। आप देख रहे हैं, ये थोड़ा इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, फिर इससे कम चौड़ाई इसकी है, फिर उससे कम इसकी है, और सबसे नीचे आप देख रहे हैं बिल्कुल जो 1/2 इंच का स्टेटर होता है उसमें इस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पेपर को काटते और डालते कैसे हैं वो भी तरीक़ेकार मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेपर हम निकाल के इसी के साइज़ के हिसाब से बाकी पेपर काटते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। ये चौड़ाई में हम पहले तो साइज़ मिला लेते हैं, जो जिस चौड़ाई का हमें पेपर चाहिए होता है वो हम निकाल लेते हैं, और सिर्फ लंबाई में हमें सेटिंग करना होता है, और इसके कोने काटने भी ज़रूरी नहीं है। इन पेपरों के कोने काटने ज़रूरी नहीं है, ये हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, काम करने का अंदाज़ होता है। मैं इसी तरह पेपर के कोने कटिंग कर लेता हूँ और फिर उसे डालता हूँ, मैंने इसी तरह से काम सीखा है। ये आप देख रहे हैं, जैसा कि इसमें ये पेपर के किनारी को मोड़ा जा रहा है, तो बाज़ कारीगर इन किनारियों को नहीं मोड़ते, उसकी वजह से भी बाज़ औकात वाइंडिंग में फॉल्ट आता है और वाइंडिंग शार्ट हो जाती है, क्योंकि ये पेपर आगे पीछे हो जाते हैं वाइंडिंग के दौरान। तो इस तरह मोड़ के डालना ज़्यादा मुनासिब है और सही तरीक़ेकार है। यह आप भाइयों को दिखाने के लिए बहुत ही स्लो काम किया जा रहा है, वरना आप अगर ये काम करेंगे तो इस आपके हाथ में स्पीड आ जाएगी। इसको मोड़ने का तरीक़ेकार कई होते हैं, बाज़ लोग इसमें वो किसी ब्लेड या छुरी की मदद से भी किनारे इसके मोड़ लेते हैं। दोस्तों, ये रात का टाइम है, इस वजह से कैमरे का रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही तरह से दिखा सकूँ। देखें कि इसमें 3 पेपर डल चुके हैं और मज़ीद हम पेपर डाल रहे हैं। तो जिस तरह हमने इसमें पेपर डाला है, सेम इसी तरह ये पूरा राउंड घूमता है और फिर हम ऊपर वाले पेपर डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि अंदर वाले सारे पेपर डल चुके हैं, अब हम ऊपर वाले पेपर डाल रहे हैं, और ये साइज़ मैंने बना दिया है। और ये देखें, ये पेपर मोड़ने का हर बंदे का एक अपना अंदाज़ होता है, और मैं बिना किसी चीज़ के, बिना किसी सहारे के इस तरह पेपर मोड़ता हूँ।
परेशान। ये मैंने दूसरा लिया। ये पेपर डालने का काम थोड़ा सा बोरियत काम है, लेकिन क्या करें, ये भी काम का हिस्सा है, क्योंकि जब तक पेपर नहीं डलेगी वाइंडिंग नहीं हो सकती है, तो हमें पेपर डालना सीखना ज़रूरी है। जितना पेपर आप सही तरह से प्रेस करेंगे और उसके बाद ये गोलाई करना ज़रूरी होता है इस तरह, वरना ऐसे ये पेपर ये टूट जाता है बीच से। तो आप किसी पेचकस के मदद से ऐसे ऐसे गोलाई कर लें तो ये अच्छी तरह से गोलाई हो जाती है और फिर ये जाके ग्रिप में सही फंस जाता है। देखें, ये सारा पेपर का ये मोड़ने की वजह से ग्रिप बन चुका है और ये इस तरह निकलता नहीं है। अगर ये पेपर सीधा सीधा होता तो ये वाइंडिंग की जोर जहाँ पड़ती है उस तरह पेपर बाहर आ जाता है। जी तो दोस्तों, जैसा कि सीलिंग फैन के स्टेटस में पूरा पेपर डल चुका है और उसका तरीक़ाकार भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।